Hello everyone, I'm Dr. Nidhi Gupta, working as consultant dermatologist at Skin & Skin Clinic, Jaipur. आज के इस वीडियो में हम पिंपल्स के बारे में बात करेंगे. आज हम जानेंगे कि पिंपल्स क्या हैं, ये किस वजह से होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ाते हैं, हम कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं, इनको बढ़ने से बचा सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, और कई सारी भ्रांतियाँ या मिथ्स हैं जो पिम्पल्स को लेकर के, उनको भी आज हम क्लियर करेंगे. पिम्पल्स नॉर्मली प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है. ये बच्चियों में 11-12 साल से या लड़कों में 13-14 साल से पिंपल्स स्टार्ट होते हैं और ये 30-35 साल तक हो सकते हैं. यह एक मिथ है कि पिंपल्स सिर्फ टीनेज प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है. ऑल्दो कॉमनली ये टीनेज में स्टार्ट होते हैं, बट कई बार ये 25 साल बाद भी लोगों को होते हैं, जिसको हम अडल्ट एक्ने बोलते हैं. अब हम जानते हैं कि ये किस वजह से होता है. नॉर्मली कई लोग, आप लोगों ने सुना होगा, पेशेंट सोचते हैं कि ये बॉडी हीट से होता है या ये धूल मिट्टी की वजह से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये बॉडी हीट के वजह से नहीं होता है, ये बेसिकली हार्मोनल परिवर्तन के वजह से होता है, जिससे आपकी ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. जब ये ऑयल ज़्यादा बनता है तो आपके जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है. इस वजह से पिंपल्स होते हैं. पिंपल्स के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ये पिंपल्स की शुरुआती स्टेज होती है. इसके अलावा लाल दाने हो सकते हैं, पीला पानी भरे दाने हो सकते हैं, गठाने हो सकती हैं, ये सभी पिंपल्स का रूप हैं. नॉर्मली पेशेंट्स के बीच में यह एक मिथ है कि जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ये सिर्फ डर्ट है. और नॉर्मली पेशेंट्स इस स्टेज में पार्लर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, क्लीनअप कराने जाते हैं और उनको निकलवाने जाते हैं, बट इससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है. इनफैक्ट जब वो पार्लर में या खुद से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को निकालते हैं तो कई बार वो मार्क्स या स्कार्स ज़्यादा छोड़ जाते हैं. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो वो शुरुआती स्टेज है पिंपल्स की, और उसके लिए भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. पिंपल्स मोस्टली, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हार्मोनल चेंजेस के वजह से होते हैं. साथ साथ कभी कभी कुछ और बीमारियां जिनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं. इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिंस होती हैं जो कि पिंपल्स बढ़ा सकती हैं या पिंपल्स कॉज कर सकती हैं, जैसे नॉर्मली स्टेरॉइड्स पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस या लिथियम, ये सब मेडिकेशंस भी पिंपल्स कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पिंपल्स को बढ़ाती हैं. तो मेकअप प्रोडक्ट्स जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, कई बार वो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं पिंपल्स को फ्लेयर करने में, बढ़ाने में. इसके अलावा स्ट्रेस जो रहता है, इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, वो भी पिंपल्स को फ्लेयर कर सकते हैं. कुछ लोगों में पिंपल्स जब उनके साइकिल्स आने वाले होते हैं उनके जस्ट पहले फ्लेयर हो जाते हैं, इसको प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर बोलते हैं. इसके अलावा आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सीरम्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं और उनसे भी पिंपल्स उनके बढ़ जाते हैं. इसके साथ साथ आपकी जो डाइट है, स्पेशली डाइट जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट है, जैसे कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, मैंगोज़ हैं, ये सारी ही चीज़ें जो रहती हैं पिंपल्स को फ्लेयर करती हैं. इसके साथ साथ इवन आपका जंक फूड भी पिंपल्स को फ्लेयर कर सकता है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए. नॉर्मली जो एक्ने पेशेंट्स होते हैं, पिंपल्स वाले जो मरीज होते हैं, उनकी स्किन नॉर्मली ऑयली होती है, तो वो उस ऑयल को हटाने के लिए बार बार फ्रिक्वेंटली फेस वॉश करते हैं. उनको लगता है उससे इनके पिंपल्स इम्प्रूव होंगे, बट ऐसा नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्रारी, बार बार फेस वॉश करने से भी आपके पिंपल्स जो हैं बढ़ सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में. ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल मेजर्स. इसमें सबसे कॉमनली एक तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको फ्रीक्वेंट फेस वॉश नहीं करना है. इसके साथ साथ आपको पिंपल्स को बार बार टच नहीं करना है. कई लोगों को आदत होती है पिंपल्स को स्क्रैच करते रहते हैं, पिक करते रहते हैं, तो उससे पिंपल्स जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा गहरे मार्क्स छोड़ते हैं, गड्ढे होने की भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. इसके साथ साथ मेकअप प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके पिंपल्स को बढ़ा रहे हैं, वो आपको चेंज करने हैं, कोशिश करें अवॉइड करें. इसके अलावा जो स्किन केयर रूटीन, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, सीरम्स हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड करें अगर वो आपको पिंपल्स को फ्लेयर कर रहे हैं तो.
मेकअप आप जब भी करते हैं वापस आने के बाद आप मेकअप मिसलर वाटर से रिमूव करिए, उसके बाद फेस वॉश करिए और मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। इसके साथ साथ ऑयलिंग जो लोग करते हैं स्कैल्प में, उसके वजह से भी कई बार पिंपल्स इंक्रीज होते हैं। तो आई नॉर्मली रिकमेंड कि आपको जब भी ऑयलिंग करनी है स्कैल्प में तो आप नहाने के 2 घंटे पहले कर लीजिए। इसके साथ साथ जो भी आपको मैंने फूड आइटम्स बताए जो कि पेशेंट्स को पिंपल्स फ्लेयर करते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। नॉर्मली लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि पिंपल्स तो नॉर्मल एजिंग के साथ होते हैं और ये खुद से ही ठीक हो जाते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंपल्स आपके फेस पे पिगमेंटेशन, कालापन छोड़ सकते हैं, गड्ढे छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। एक बार अगर आपके चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं तो उसको कम्प्लीटली रिकवर करना तो पॉसिबल नहीं है, और जो इम्प्रूवमेंट होता है वो भी उसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको पिंपल्स होते हैं आप उसका प्रॉपरली इलाज लें, उसको ट्रीट करें और उसको इग्नोर ना करें ये सोच करके कि ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। अब पिंपल्स के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, कुछ लगाने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पिंपल्स के अकॉर्डिंगली, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली और उसके टाइप के अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको वो मेडिकेशंस लेनी है। इस मेडिकेशंस के साथ साथ हम पिंपल्स के लिए केमिकल पीलिंग या इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। ये थेरेपीज जब हम दवाइयों के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देते हैं। ये पिंपल्स के साथ साथ उसके मार्क्स को भी इम्प्रूव करते हैं। नॉर्मली क्योंकि पिंपल्स के पेशेंट्स की ऑयली स्किन होती है वो मॉइस्चराइजर भी अवॉइड करते हैं, बट हम जो भी पिंपल्स के मेडिकेशंस देते हैं उनसे थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकता है पेशेंट्स को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी यूज़ करें जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आई होप आज हमने आपके पिंपल्स से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई होंगी। और यदि आपको पिंपल्स हैं, इवन अगर वो इनिशियल स्टेज में हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की स्टेज में हैं, तो जो जो मैंने जनरल मेजर्स आपको बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो सब आपको फॉलो करना है, और इसके साथ साथ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू।